लूमिंग एंड पोस्ट लूमिंग ऑपरेशन, यानी कि लूमिंग व लूमिंग की बाद की प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि वाप कैसे तैयार किया जाता है। बुनाई से पहले यार्न को स्पूलिंग, रैपिंग और स्लैशिंग की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि धागा रिंग के दौरान होने वाली रगड़ को सह सके। स्पूलिंग, इस प्रक्रिया में यार्न को एक बड़े स्पूल या गिट्टी पर लपेटा जाता है। यह स्पूल एक रैक में रखी जाती है जिसे क्रिल कहते हैं। क्रिल से यार्न को वाप बीम पर लपेटा जाता है। स्टार्चिंग या साइजिंग, लपेटे हुए यार्न को खोलकर इसे स्लैशिंग की प्रक्रिया या साइजिंग बाद में रखा जाता है, जहां से इसे स्लैशर मशीन में से गुजारा जाता है। स्लैशर मशीन प्रत्येक यार्न पर स्टार्च की एक परत चढ़ा देती है ताकि वीविंग के दौरान यार्न के धागे टूटे ना। वापिंग, साइजिंग के बाद यार्न को आखिरी वाप बीम पर लपेट दिया जाता है और वाप लूमिंग के लिए तैयार हो जाता है। वेफ्ट तैयार करना, सबसे पहले वेट शटल के लिए अटेरन बनाते हैं, फिर वोट शटल को तैयार करते हैं, फिर सपाट शटल को तैयार करते हैं। लूमिंग, मूल रूप से 5 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रत्येक प्रकार के लूमिंग में सामान्य होती हैं, जैसे कि शेडिंग, हार्नेस, पिकिंग, बीटिंग अप, टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ, कपड़ा बुनना।